जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स 2020 से संबंधित आज हम 100 प्रश्नों पर चर्चा यहां पर करेंगे। 2020 जनवरी से संबंधित यहां पर टॉप 100 क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है। आपसे निवेदन करूंगा कि पूरा वीडियो जरूर देखो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आपको जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और इसमें ज्वाइन हो जाना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना है। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है 100 प्रश्नों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। आपका सबसे पहला प्रश्न है, भारत में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए किसने इंद्रधनुष मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की है। अगर आपको उत्तर पता है तो जल्दी से आपको बताना है कि इंद्रधनुष मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत किसने की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, केंद्र सरकार, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में इंद्रधनुष मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। आपको याद रख लेना है। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक, ठीक है। हाल ही में किसके द्वारा जारी विश्व के टॉप 20 निर्णायक लोगों की सूची में कन्हैया कुमार और प्रशांत कुमार को स्थान मिला है। जल्दी से आपको उत्तर बताना है कि ये सूची किसके द्वारा जारी की गई है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा दोस्तों विकल्प नंबर सी, फोर्स द्वारा जो है जारी सूची में विश्व के टॉप 20 निर्णायक लोगों की सूची में कन्हैया कुमार और प्रशांत कुमार को स्थान मिला है। आपको ये स्थान याद रखना है कि कन्हैया कुमार को 12वां स्थान मिला है और प्रशांत कुमार को 16वां स्थान मिला है टॉप 20, विश्व के टॉप 20 निर्णायकों में, है ना। तो याद रखो। नेक्स्ट है, पाकिस्तान सरकार ने सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल कितने साल बढ़ाने के लिए रक्षा समिति को मंजूरी दे दी है। तो कितने साल बढ़ा दी है इनका जो कार्यकाल है वो कितने साल बढ़ गया है? उत्तर होगा 3 साल, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा पाकिस्तान के जो है जनरल कौन है प्रमुख, सेना के प्रमुख जनरल, तो जावेद बाजवा हैं और इनका जो कार्यकाल है वो 3 साल बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है, बॉलीवुड का कौन सा एक्टर बॉक्स ऑफिस पर 1 साल में 700 करोड़ का आंकड़ा जो है पार करने वाला पहला एक्टर बन गया। जल्दी से आपको बताना है कि बॉलीवुड का ऐसा कौन सा एक्टर है जो बॉक्स ऑफिस पर 1 साल में 700 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाला पहला एक्टर बना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, अक्षय कुमार। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार जो है एक्टर बॉक्स ऑफिस में 700 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाले पहले एक्टर बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मूल की अर्चना राव और दीपा अंबेकर को किस शहर के क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट्स का जज नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अर्चना राव और दीपा अंबेडकर को, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क, यानी कि जो विकल्प नंबर दो है वो इसका सही हो जाएगा। और न्यूयॉर्क का आपको पता होगा, अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, सभी को पता है। और यहाँ पर यूनेस्को का मुख्यालय है, ये चीज़ भी सभी को पता है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो सॉरी यूनेस्को नहीं, यूनिसेफ, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, ठीक है। और यूनेस्को का पेरिस में है, सभी को याद रख लेना, यूनिसेफ न्यूयॉर्क और यूनेस्को पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को को है। और हाल ही में जो है यहाँ के सिविल जज बनी है, क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट की जज बन नियुक्त किया गया अर्चना राव और दीपा अंबेकर, जो कि भारतीय मूल की हैं, याद रखना है। ओ की अधिग्रहित कंपनी बेडिंग्स डॉट इन के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन सी जगह है डेस्टिनेशन बेडिंग के लिए भारतीयों की पहली पसंद है। जल्दी से बताना है कौन सी ऐसी जगह है जो भारतीयों की पहली पसंद है, शिमला, गोवा, जयपुर या फिर इंदौर। तो इसका सही उत्तर होगा गोवा, यानी कि जो विकल्प नंबर दो है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेटीएम इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म को स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज शुरू करने के लिए किसने हाल ही में मंजूरी दे दी है। जल्दी से 4 ऑप्शन में से एक उत्तर बताना है कि स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज शुरू करने के लिए किसने मंजूरी दी है। तो वो मंजूरी दी है दोस्तों सेबी, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा। पेटीएम इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म को स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज शुरू करने के लिए मंजूरी दी है सेबी ने। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में क्रिकेट के भीष्म पितामह नाम से मशहूर किस क्रिकेटर का हाल ही में निधन हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के भीष्म पितामह नाम से मशहूर हैं और इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो वो है रोहित चतुर्वेदी। रोहित चतुर्वेदी
इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों रात्रि 12 बजे डेली में करंट अफेयर्स का वीडियो डालता हूं, महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो संकलित किए जाते हैं, वो जरूर देखें तो आपसे सभी प्रश्न बनेंगे। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के भीष्म पितामह नाम से मशहूर रोहित चतुर्वेदी जी का जो है निधन हो गया, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगला है 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग के कितने मीटर एयर पिस्टल इवेंट में सौरभ चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है। जी हाँ, जल्दी से आपको बताना है कितने मीटर एयर पिस्टल इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो वो जीता है 10 मीटर। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में सौरभ चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है, आपको याद रखना है, यानी कि जो विकल्प नंबर एक है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में हाल ही में बोइंग 737-800 विमान क्रैश हो गया जिससे उसमें सवार सभी लोग मारे गए, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? उत्तर होगा दोस्तों विकल्प नंबर डी, ईरान में। ईरान में हाल ही में जो है विमान क्रैश हुआ है और इसमें लगभग 170 जो यात्री थे वो सारे के सारे मारे गए, और ईरान के राजधानी है तेहरान, आपको याद रख लेना, ईरान की राजधानी तेहरान। और ईरान और अमेरिका में हाल ही में तनाव की स्थिति चल रही है, तो आपको याद रख लेना है कि यहाँ पर 737-800 विमान क्रैश हुआ है और 170 जो यात्री इसमें सवार थे वो सारे के सारे 167 या 170, ऐसा डाटा है तो आपको याद करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में रविन्द्रनाथ महतो को सर्वसम्मति से किस राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया है? जल्दी से आपको बताना है रविन्द्रनाथ महतो। जी हाँ, उत्तर इसका सही क्या हो जाएगा आपको कमेंट में लिखते जाना है। उत्तर है दोस्तों झारखंड। झारखंड के हाल ही में स्पीकर जो बने हैं, विधानसभा स्पीकर, वो बने हैं रविन्द्रनाथ महतो, आपको याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और झारखंड की जब भी बात आती है तो झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है, और छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछी जाती है कौन सी है, तो वो है पारसनाथ, आपको याद रख लेना है, ठीक है, याद रखो। और दोस्तों आपको याद रख लेना है कि रविन्द्रनाथ महतो झारखंड के जो है नए विधानसभा स्पीकर बने हैं, और जो है हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, तो सभी को याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में 234 करोड़ रुपये की लागत से शहीद अशफाकुल्लाह खान के नाम पर एक चिड़ियाघर का निर्माण करने की घोषणा की है? जल्दी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिड़ियाघर के जो है निर्माण की घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी हैं, सभी को पता है, और आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं, और चिड़ियाघर का निर्माण करने के लिए 234 करोड़ रुपये की लागत से किसके नाम पर? अशफाकुल्लाह खान के नाम पर ये चिड़ियाघर बनाया जाएगा, तो ये कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा गोरखपुर, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, 5वें एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? जल्दी से आपको बताना है, 5वें एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान संस्थान का जो आयोजन किया जा रहा है वो पुणे में किया जा रहा है। पुणे आपको याद होगा, विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और पुणे के पास से त्र्यंबक पहाड़ी है दोस्तों, त्र्यंबक पहाड़ी सभी को पता है, और त्र्यंबक पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल होता है, ठीक है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को, और त्र्यंबक पहाड़ी से पुणे के निकट से इसका उद्गम स्थल होता है। और हाल ही में 5वें एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन भी पुणे में हो रहा है, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। ईरान ने हाल ही में किस देश की सभी सेना को आतंकवादी घोषित किया है? जल्दी से आपको बताना है, किस देश की सेना को आतंकवादी घोषित किया है? तो उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका की सेना को जो है ईरान ने हाल ही में आतंकवादी घोषित किया है, तो याद रख लेना है, मैंने बताया था कि ईरान की राजधानी है तेहरान, और तेहरान जो है और ईरान और अमेरिका में जो है तनाव की स्थिति है, और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप हैं, सभी को पता है, तो याद रख लेना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला है इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है, तो वो हुई है भागलपुर। भागलपुर यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो सही हो जाएगा। भागलपुर कहाँ पर है? तो ये बिहार में है, याद रख लेना है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो सभी को पता है, उत्तर बता देना, ठीक है। और हाल ही में भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है, तो वो भागलपुर में हुई है, याद रखो। नेक्स्ट है, भारत के किस पड़ोसी देश ने तटीय इलाकों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा रहे हैं विश्व के ऐसे 15 देश हैं जिन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, तो आपको याद रख लेना है कि इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश ने हाल ही में तटीय इलाकों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। और आपका
अगला प्रश्न है, अमेरिकी एयर स्ट्राइक में ईरान के शीर्ष कमांडर जनरल कासिम सुलेमान की मौत के बाद ईरान ने किसको जो है कुदस फोर्स का प्रमुख नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों इस्माइल कानी, यानी कि जो विकल्प नंबर एक है वो सही हो जाएगा। इस्माइल कानी को जो है इन्होंने नया प्रमुख नियुक्त किया है फोर्स का, तो याद रखो। अगला प्रश्न है, निर्भया मामले में कितने आरोपियों को कोर्ट द्वारा 22 जनवरी 2020 को फांसी दिए जाने की डेथ वारंट जारी किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर होगा चार, चार आरोपियों को। छह आरोपी थे, एक नाबालिग था जिसे जो है रिहा कर दिया गया और एक ने जेल में ही फांसी लगा ली थी, और ये चार जो आरोपी हैं इन्हें हाल ही में डेथ वारंट जो है जारी किया गया है, याद रखो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति पर आधारित पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ का हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा उद्घाटन किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कर्म योद्धा ग्रंथ का जो ग्रंथ है, जो पुस्तक है, वो किस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर आधारित है, किस व्यक्ति पर आधारित है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं इनके व्यक्तित्व या इन पर आधारित जो पुस्तक है, जो ग्रंथ है, कर्मयोद्धा ग्रंथ है, आपको याद रख लेना है। और केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी जी के जीवन पर एक पुस्तक कर्मयोद्धा ग्रंथ जारी की। पुस्तक के अनुसार कर्मयोद्धा एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक राजनेता, एक कठिन कार्यपालक, एक सक्षम प्रशासक और एक आदर्श नेता होता है। तो आपको याद रख लेना है कर्मयोद्धा किसके जो है व्यक्ति पर आधारित है, तो नरेंद्र मोदी जी के। निम्न में से कहां पर NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ज्ञान केंद्र नॉलेज हब का उद्घाटन किया गया है? जल्दी से आपको बताना है कहां पर किया गया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ज्ञान केंद्र नॉलेज हब का उद्घाटन? तो उत्तर हो जाएगा दिल्ली, यानी कि जो विकल्प नंबर एक है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया गेम्स है पहले संस्करण की जो मेजबानी करेगा दोस्तों वो करेगा भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो नवीन पटनायक जी हैं, गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं, ये चीज़ भी याद रखनी है। और यहाँ पर जो है सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील, खारे पानी की झील है, ये भी याद रखना है। और ब्लैक पेगोड़ा के नाम से जाना जाता है यहाँ का सूर्य मंदिर जो कि बहुत प्रसिद्ध है, याद रख लेना। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण की मेजबानी करने जा रहा है भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताओ, महाराष्ट्र की बात आई है तो महाराष्ट्र के हाल ही में जो मुख्यमंत्री बने हैं उद्धव ठाकरे जी, उप मुख्यमंत्री बने हैं अजित पवार जी, ठीक है, और ज्योतिबा राव फुले, कृषि ऋण माफी योजना भी यहां पर लागू की गई है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में पत्रकार दिवस मनाया जाता है 6 जनवरी, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष 2.0 का दूसरा चरण यूपी के कितने जिलों में ब्लॉक स्तर पर शुरू किया गया है? आपको बताना है ये कितने जिलों में ब्लॉक स्तर पर शुरू किया गया है, तो जल्दी से बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। तो उत्तर होगा दोस्तों 35, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही होगा। आपसे पूछा जाएगा कि मिशन इंद्रधनुष का कौन सा चरण जो है शुरू किया है, तो दूसरा चरण शुरू किया गया है, आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल का सलाहकार कौन है? जल्दी बताओ क्या होगा सही उत्तर, विकल्प नंबर प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर आपको बताना है। जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजित करके दो केंद्रशासित जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाए गए, और केंद्रशासितों की संख्या बढ़कर हो गई 9 और राज्यों की संख्या रह गई 28। तो जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल का सलाहकार नियुक्त किया गया है तो राजीव राय भटनागर, के शर्मा और फारूक खान, ए इसका उत्तर सभी हो जाएगा, याद रख लेना है आप सभी को, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो कौन सा है, और कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, ये चीज़ भी याद रखनी है। नेक्स्ट है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट जो है असेंड 2020 का आयोजन कौन सा राज्य करेगा? जल्दी से आपको उत्तर बताना है, तो वो करेगा दोस्तों केरल, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। अभी हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा गया था जूनियर प्रोफेसर असिस्टेंट के एग्जाम में कि जो है सबरीमाला जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, तो आपका उत्तर होना चाहिए केरल में, ठीक है। और ये सबरीमाला मंदिर है पेरियार अभ्यारण्य केरल में स्थित है, तो याद रखो। और ये असेंड 2020 का आयोजन करने जा रहा है तो केरल करने जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, और वर्तमान में केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर वैश्विक बैठक की मेजबानी कौन करेगा? जल्दी से आपको बताना है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर, तो
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर हो जाएगा कोच्ची, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो गया। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर वैश्विक बैठक की मेजबानी करेगा कोच्ची, ठीक है। और कोच्ची कहाँ पर है, तो ये कोच्ची भी केरल में है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन का जो उद्घाटन किया गया, जल्दी से आपको बनता है तो कमेंट में लिख दे जाओ। उत्तर हो जाएगा दिल्ली, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो सही हो। राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किया गया दिल्ली में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में 6 बॉल पर 6 छक्के लगाए हैं, जल्दी से आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जल्दी से, आपको क्रिकेट खेलते होंगे आप, 6 बॉल पर 6 छक्के लगाए हैं हाल ही में, तो वो लगाए हैं लियो कार्टर ने, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। और लियो कार्टर न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं और इन्होंने 6 बॉल पर 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है और ये विश्व के 7वें क्रिकेटर बन गए जिन्होंने 6 बॉल पर 6 छक्के लगाए हैं, ये चीज़ भी याद रखनी है। और भारत की बात करें तो भारत के युवराज सिंह ने लगाए थे 6 छक्के, रवि शास्त्री जी ने भी लगाए थे 6 छक्के 6 बॉल में, तो ये चीज़ भी याद रखनी है। अगला प्रश्न है, नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच कितने दिनों तक अंतरिक्ष में रहकर सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली महिला बन गई हैं, जल्दी से कमेंट में आपको उत्तर लिखना है, उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से लिखो क्या होगा। नासा की अंतरिक्ष यात्री, अब नासा जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो दोस्तों ये है अमेरिका की, ठीक है। और ये क्रिस्टीना कोच कितने दिनों तक अंतरिक्ष में रहकर सबसे ज़्यादा, तो इसका सही उत्तर होगा 288 दिनों तक ये अंतरिक्ष में रही हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यूएई में मशहूर भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता नजर नंदी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है, उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट लिखें जल्दी से, उत्तर होगा 55 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, तो जल्दी से लिखो उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी से लिखना है, तो 55 वर्ष का इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत देश के कौन से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे, जल्दी से आपको बताना है, जनरल बिपिन रावत जी देश के कौन से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे, तो उत्तर होगा पहले, यानी कि जो विकल्प नंबर एक है वो इसका सही हो जाएगा। जनरल बिपिन रावत देश के कौन से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे, तो पहले होंगे, आपको पता होगा, ठीक है। और जो जनरल बिपिन रावत जी हैं, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे, वे तीनों सेना और सरकार के बीच समन्वयक की जो है भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 15 अगस्त को इस पद का ऐलान किया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो है सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को देश के कौन से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए पहले, है ना, या आपसे पूछा जाएगा पहले चीफ ऑफ डिफेंस कौन है, तो बिपिन रावत जी। इस प्रकार से क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जा सकता है। भारतीय नौसेना ने जासूसी से बचने के लिए कर्मचारियों के लिए किसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है, जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नौसेना की बात आ रही है और यहाँ पर जासूसी से बचने के लिए नौसेना ने जो है फेसबुक के यूज के लिए जो यहाँ के कर्मचारी हैं नौसेना के, उनके फेसबुक के यूज के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, तो आपको याद रख लेना है। अगला हमारा प्रश्न है, मैनचेस्टर सिटी क्लब के पेप गार्डियोला प्रीमियर लीग में सबसे तेज कितने मुकाबले जीतने वाले मैनेजर बन गए हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर होगा दोस्तों 100 इसका सही हो जाएगा, यानी कि जो विकल्प नंबर वी है वो इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने जनवरी 2020 से रुपे कार्ड और UPI के जरिए लेन देन पर MDR शुल्क नहीं लगाने की घोषणा की है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा दोस्तों निर्मला सीतारमण, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में घोषणा की कि 2020 से रुपे कार्ड और UPI के जरिए लेन देन करने वालों के लिए MDR शुल्क नहीं लगाने की जो है घोषणा की गई है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतीय टीम को अंडर-19 वर्ल्ड कप जिताने वाले खिलाड़ी मनजोत कालरा पर साल का बैन लगाया गया, कितने साल का बैन लगाया गया है, आपको याद रखना है, तो जल्दी से कमेंट में लिखो उत्तर क्या हो जाएगा, कितने साल का बैन लगाया है, तो उत्तर इसका सही होगा 2 साल का 2 साल, यानी कि जो विकल्प नंबर वी है वो इसका सही हो जाएगा। मनजोत कालरा पर 2 साल का बैन लगाया गया हाल ही में। नेक्स्ट है, बीरेन शर्मा किस राज्य के पहले अंपायर बन गए जिन्हें ICC अंपायर के पैनल के लिए चयनित किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ICC अंपायर के पैनल के लिए चयनित किया गया है, और जो बीरेन शर्मा हैं ऐसे पहले एम्पायर बने हैं, और आपको पता होगा ये कहाँ के हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश के हैं। हिमाचल प्रदेश की बात आती है तो
तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है और रोहतांग दर्रा के नीचे एक सुरंग है, रोहतांग सुरंग आपको पता होगा, और रोहतांग सुरंग का नाम हाल ही में बदलकर किया गया है अटल सुरंग। तो ये आपको याद रख लेना, अटल बिहारी वाजपेयी के जो है जन्म दिवस पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है और इसी अवसर पर हिमाचल प्रदेश की रोहतांग सुरंग का नाम अटल सुरंग किया गया और 25 फुट की इनकी मूर्ति भी स्थापित की गई लखनऊ में। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। दोस्तों अगला प्रश्न है, इनमें से किस गेंदबाज ने वर्ष 2019 में क्रिकेट के हर फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने की उपलब्धि हासिल की है? तो जल्दी से आपको बताना है वो कौन सा ऐसा क्रिकेटर है 2019 का, तो वो है पैट कमिंस। पैट कमिंस यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। 2019 में क्रिकेट के हर फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने की उपलब्धि इन्होंने हासिल की है और ये कहाँ के हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये चीज़ भी याद रखनी है। नेक्स्ट है, जनरल बिपिन रावत के सेवानिवृत्त होने के बाद निम्नलिखित में से किसे अगला सेना प्रमुख बनाया गया है? तो जल्दी से कमेंट में लिखो क्या हो जाएगा। जनरल बिपिन रावत को जो है सेवानिवृत्ति के बाद किसे सेना प्रमुख बनाया गया, तो उत्तर हो जाएगा मनोज मुकुंद नरवाने। मनोज जो है मुकुंद नरवाने जो कि उप प्रमुख लेफ्टिनेंट थे और इन्हें जनरल बनाया गया है, प्रमुख बनाया गया है सेना का, है ना। तो याद रख लेना है कि थल सेना जो प्रमुख हैं वो कौन हैं वर्तमान में, तो मनोज मुकुंद नरवाने हैं। इसके पहले जो थे वो बिपिन रावत थे और ये रिटायर हो गए हैं, तो आपको याद रख लेना है। और इन्हें प्रथम CDS स्टाफ जो है बनाया गया है बिपिन रावत को, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है? तो 2019 की ये रिपोर्ट है, तो किस क्षेत्र में बढ़ा है, तो उत्तर होगा कर्नाटक, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर और बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय है, सभी को पता है, और के सिवन साहब इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है। और 2019 के अनुसार सर्वाधिक जो वन क्षेत्र बढ़ा है वो कर्नाटक में बढ़ा है वन आच्छादित क्षेत्र, लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो वन है वो मध्य प्रदेश में है, याद रख लेना है। भारत के खिलाफ अपने टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत करने वाले किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी? तो वो की है पीटर सिडल। पीटर सिडल यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा। पीटर सिडल ने अपने टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत 2018 में मोहाली में भारत की खिलाफ की थी और इन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है, तो पीटर सिडल जी ने लिया है। नेक्स्ट है, चीन, रूस और किस देश ने हाल ही में अपनी नौसेनाओं के मध्य विनिमय एवं सहयोग को बढ़ावा देने हेतु संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? तो किसने किया है, चीन, रूस और किस देश ने, तो वो किया है ईरान, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। चीन, ईरान और रूस ने हाल ही में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जो है आयोजित किया है, तो आपको याद रख लेना है। ईरान की राजधानी तेहरान और ईरान ने हाल ही में जो है अमेरिकी सेना को आतंकवादी घोषित किया है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी फाइलों को शीघ्रता से निपटाने एवं विभिन्न विभागीय कार्यों में तीव्रता लाने रन थ्रू फाइल्स प्रणाली की शुरुआत की है? तो किस सरकार ने की है, वो की है दोस्तों हरियाणा सरकार, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाता है। हरियाणा की जब भी बात आती है तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, मनोहर लाल खट्टर हैं, तो ये चीज़ भी याद रखनी है। और हरियाणा में रन थ्रू फाइल्स प्रणाली की शुरुआत की गई है, तो याद रखो। अगला प्रश्न है, हाल ही में तालिबान परिषद ने किस देश में एक अस्थायी संघर्ष विराम के लिए सहमति व्यक्त की है? तो किस देश में की है तालिबान ने, तो उत्तर होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और अफगानिस्तान में हाल ही में तालिबान परिषद ने एक अस्थायी संघर्ष विराम के लिए सहमति दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति की अफगान यात्रा ने शांति वार्ता में सकारात्मक भूमिका का निर्वहन किया तथा तालिबान भी हिंसा में कमी करने की घोषणा के साथ वार्ता हेतु सहमत हुआ। हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है, जल्दी से आपको बताना है, महाराष्ट्र के बारे में बताना है। और यहाँ पर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है तो वो किसने ली है, अजित पवार जी ने, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा, सभी को पता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, यूके के सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2026 तक किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो उत्तर क्या हो जाएगा 2026 तक। और ये जो रिसर्च या रिपोर्ट पेश की गई है वो यूके के सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च द्वारा, तो उत्तर हो जाएगा जर्मनी, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने रूस में आयोजित वर्ल्ड वुमेन्स रैपिड चेस
चैंपियनशिप का खिताब जीता है? जल्दी से कमेंट में लिखो अगर आपको पता है तो। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर होगा कोनेरू हम्पी, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो सही हो जाएगा। वर्ल्ड वोमेंस रैपिड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता है कोनेरू हम्पी ने, और जो कहां पर जो आयोजित किया गया, रूस में आयोजित किया गया, ये चीज भी याद रखनी है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं हेमंत सोरेन, ठीक है, और जो है महतो साहब यहाँ के स्पीकर बने हैं, तो वो भी याद रखना है। नेक्स्ट बात है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस शहर में सीआरपीएफ के नए मुख्यालय का शिलान्यास किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीआरपीएफ का नया मुख्यालय बना है तो कहाँ बनाया है? नई दिल्ली, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ई आरक्षण मंच ई विक्रय नाम लॉन्च किया है? जल्दी से बताना है तो ई विक्रय लॉन्च किया है तो क्या हो जाएगा, किसने किया है? तो वो किया है निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण यानी जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने ई आरक्षण के लिए जो है मंच ई बेकरी लॉन्च किया है, तो आपको याद रखना है ई आरक्षण के लिए। तो जल्दी बताना है, यह एक ऑनलाइन नीलामी मंच है जिसमें भारतीय बैंकों द्वारा जब्त की गई चीज़ों की नीलामी की जाएगी। नेक्स्ट, बीएसएफ और बीजीबी के 49वें सीमा समन्वयक सम्मेलन कहाँ हुआ है? जल्दी से आप बताएं, जल्दी जल्दी से आपको बताना है तो क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली में। दिल्ली में जो है बीएसएफ और बीजीबी के 49वें सीमा समन्वय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो आपको याद रख लेना है दिल्ली बीएसएफ और बीएसजीबी के 49वें सीमा समन्वय सम्मेलन का आयोजन किया गया। बीएसएफ बल के महानिदेशक कौन है? विवेक कुमार जौहरी, और बीजीबी प्रमुख हैं सादीनुल इस्लाम, तो आपको याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को दशक की सर्वश्रेष्ठ विजडन T20 टीम में शामिल किया गया है? ये चार विकल्प हैं, चार में से एक का आपको चयन करना है। दशक की सर्वश्रेष्ठ विजडन T20 टीम में शामिल किया गया है तो वो किसको किया गया है, जल्दी से आपको उत्तर बताना है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से लिखो। तो वो बताया है दोस्तों विराट कोहली, विराट कोहली साहब को बनाया गया है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ विजडन T20 में जो है शामिल किया गया है विराट कोहली साहब को। यहाँ पर एक गलत लिखा है, आपको याद रख लेना है T20 टीम में शामिल किया गया है विराट कोहली को, है ना। और ऑस्ट्रेलिया ने इस दशक की सर्वश्रेष्ठ टीम घोषित की, और उस टीम का वनडे टीम का कप्तान बनाया गया महेंद्र सिंह धोनी को, दशकीय टेस्ट टीम का जो कप्तान बनाया है वो विराट कोहली साहब को, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ विजडन, दशक की सर्वश्रेष्ठ विजडन T20 में शामिल हुए हैं तो वो हुए हैं विराट कोहली, यानी जो विकल्प नंबर एक है वो इसका सही होगा। हाल ही में HDFC बैंक ने अपने बीमा उत्पादों का विस्तार करने के लिए किस कंपनी से साझेदारी की है? जल्दी से आपको उत्तर बताना है तो HDFC बैंक ने की है पेटीएम, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में धनु यात्रा महोत्सव की शुरुआत की गई है? तो आपको याद रख लेना है धनु यात्रा जो है महोत्सव की शुरुआत हुई है तो वो हुई है उड़ीसा, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है, उड़ीसा में हुई है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, हाल ही में किसे 28वें सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आपको बताना है 28वें सेनाध्यक्ष कौन बने हैं, तो उत्तर हो जाएगा जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं कि जो हाल ही में मनोज मुकुंद नरवाने हैं सेना प्रमुख बने हैं, ये कौन से नंबर के हैं? तो आपका उत्तर होना चाहिए 28वें, और 28वें सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो मनोज मुकुंद नरवाने। तो इस प्रकार से दो प्रश्न यहाँ से आपके क्लियर होंगे, ठीक है। और 27वें कौन थे? तो बिपिन रावत जी थे, ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2020 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? जल्दी से आप, ये चार विकल्प हैं आपके सामने, अगर बनता है तो कमेंट में लिखते जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है तो बर्मिंघम में किया जाएगा, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा, 2020 का आयोजन किया जाएगा बर्मिंघम। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार के किस केंद्रीय कार्यालय ने भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की है? 2019 की जो रिपोर्ट में कहा गया है वन क्षेत्र की, कि कर्नाटक में सर्वाधिक जो है वनाच्छेद क्षेत्र की बढ़ोतरी हुई है, तो ये जो रिपोर्ट है वो किसने जारी की है? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला है, हाल ही में किसे सीआरपीएफ का प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उत्तर हो जाएगा एस एस देसवाल, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो सही है, इन्हें सीआरपीएफ का प्रमुख नियुक्त किया गया है।
तो सभी लोगों को याद रख लेना है, इसकी स्थापना हुई थी 1939 में, ठीक है। और सीआरपीएफ के जो है अध्यक्ष बने हैं, नियुक्त हुए हैं, तो एसएस देसवाल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में खेलो इंडिया युवा खेलों की मसाइल की शुरुआत की गई है, तो उत्तर होगा असम, यानी कि जो विकल्प नंबर एक है वो सही हो जाएगा, खेलो इंडिया युवा खेलों की मसाइल की शुरुआत हुई है असम में, विकल्प नंबर ए इसका सही है। सेना प्रमुख बिपिन रावत के रिटायर होने के बाद जनरल मनोज नरवाड़े देश के कौन से सेना प्रमुख पद संभाला है, इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपका पूछा, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, तो वे बने हैं 28वें, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। मतलब दो तरीके से यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाल ही में किसने जो है एनडीएमसी और दिल्ली छावनी स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों की बोर्ड परीक्षा का शुल्क देने की घोषणा की है, जल्दी से आपको बतानी है, तो वो की है दिल्ली सरकार, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो सही हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, और मनीष सिसोदिया जी यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, और इन्होंने हाल ही में दिल्ली छावनी स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों की बोर्ड परीक्षा का शुल्क देने की घोषणा की है, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरकार ने सभी दूरसंचार कंपनियों को जो है किस नेटवर्क पर परीक्षण के लिए स्पेक्ट्रम देने का फैसला किया है, तो वो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5G स्पेक्ट्रम, 5G नेटवर्क पर स्पेक्ट्रम देने का फैसला किया है दूरसंचार सरकार ने। नेक्स्ट है, 21 वर्षीय एना टेलर रोराइमा पर्वत की कितने फिट की खड़ी चट्टानों की दीवार पर चढ़ने वाली संभावित पहली महिला बन गई, तो आपको बताना है कि ये जो चट्टान है, खड़ी चट्टान, वो कितने फिट की है, तो उत्तर होगा इसका 2000 फीट, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 63वां स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कौन सी बार ग्लोव साकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से फुटबॉलर चुना गया है, तो उत्तर होगा ये छठी बार जो है वो यहाँ से सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुने गए हैं रोनाल्डो। अगला प्रश्न है, निम्न में से अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर कब आयोजित किया जाएगा, जल्दी से बताओ, पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर अब अरुण जेटली मेमोरियम लेक्चर कब आयोजित किया जाएगा, तो 20 मार्च 2020, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महीने का पहला दिन नो व्हीकल डे मनाने की जो है निर्णय लिया है, जल्दी से बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नो व्हीकल डे मनाने का निर्णय लिया है तो वो राजस्थान सरकार ने लिया है, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने जो है महीने का जो पहला दिन है उसे नो व्हीकल डे मनाने का निर्णय लिया है राजस्थान सरकार ने, तो सभी को याद रखना है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने संतुष्ट नामक पोर्टल की जो है सेवा शुरू की है, जल्दी से आपको बताना है, चार मंत्रालय के नाम यहाँ पर दिए हैं, चार में से एक का चयन करना है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने संतुष्ट नामक पोर्टल की शुरू की है, तो श्रम मंत्रालय, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। श्रम मंत्रालय ने संतुष्ट नामक पोर्टल की सेवा की शुरू की है, इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है कामगारों की समस्याओं का निवारण तथा उन्हें श्रम विभाग के कानूनों की जानकारी देना। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में डॉक्टर एन तिरुमाला नायक श्रम आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो डॉक्टर एन तिरुमाला नायक जो है श्रम आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो उड़ीसा, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो सही हो जाएगा, यहाँ के जो श्रम आयुक्त नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर एन तिरुमाला। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष बने हैं एच के जोशी, यानी कि जो विकल्प नंबर एक है वो इसका सही हो जाएगा, जिस पे भी बनता है वो कमेंट में अवश्य लिखते जाएं, अपना आकलन करते जाएं, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जो है चैनल को सभी लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है। आगे आने वाले बहुत सारे ऐसे वीडियो होंगे, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे 2020 की सभी परीक्षाओं के लिए। निम्न में से भारत सरकार के किस केंद्रीय आयोग ने सोशल स्टेटिक्स डिवीजन SSD इंडियन इंडेक्स की दूसरी संस्करण को लॉन्च किया है, तो किसने किया है, जल्दी से आपको उत्तर बताना है, उत्तर होगा नीति आयोग, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने कोरल रीफ को प्रदूषित होने से बचाने के लिए देश में सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है और ये ऐसा पहला देश बना है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पलाऊ, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रम मंत्रालय ने कर्मचारियों की शिकायत के समाधान और जमीनी स्तर पर श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है, जल्दी से बताओ, श्रमिक दावा संतुष्ट या फिर प्रभाव, तो इसका उत्तर होगा संतुष्ट, ठीक है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है।
आरबीआई ने हाल ही में किस नाम से एक मोबाइल ऐप जारी किया जिसकी मदद से दृष्टिबाधित लोग भी करेंसी नोट का मूल्य जान सकेंगे। आपको बताना है, चार विकल्प हैं, जल्दी से अगर आपको पता है तो उत्तर बताएंगे, मनी, नांग, शक्ति या फिर पहचान। तो उत्तर हो जाएगा इसका क्या, मनी। मनी नाम का एक जो है इन्होंने ऐप लॉन्च किया है आरबीआई ने, जिससे जो दृष्टिबाधित लोग हैं वो भी अब करेंसी का नोट का मूल्य जान सकेंगे। तो आपको याद रख लेना है मनी। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने किस पूर्व केंद्रीय मंत्री की जयंती 28 दिसंबर को हर साल राजकीय समारोह रूप में मनाने की मंजूरी दे दी। तो कौन से पूर्व वित्त मंत्री के केंद्रीय मंत्री थे जिनका जन्म हुआ था 28 दिसंबर को और हर साल राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला लिया है, तो बिहार सरकार ने लिया है, तो वो हैं दोस्तों अरुण जेटली। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के जो है जन्म दिवस पर 28 दिसंबर को हर साल राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया है बिहार सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDX को किस वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तक सेवा देने के लिए नियमों में संशोधन किया है। आपको पता होगा प्रथम जो CDS बने हैं वो बिपिन रावत बने हैं, ठीक है, और इसमें इन नियमों में संशोधन किया गया है। तो कितने वर्षों तक, 65 वर्षों तक, यानी कि जो विकल्प नंबर D है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून को 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया। जल्दी से कमेंट में लिखना है, चार विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून को 6 महीने के लिए अपसफा कहा जाता है, जिसे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है, तो वो नागालैंड में बढ़ा दिया, यानी कि जो विकल्प नंबर A है वो इसका सही हो जाएगा। गृह मंत्रालय ने पूरे नागालैंड राज्य को इस कानून के तहत 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। यह सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व अनुमति के कहीं भी ऑपरेशन करने और किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। तो याद रख लेना, हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना से कितने लोगों को चुना है, मिशन गगनयान के लिए, तो कितने लोगों को चुना है, उत्तर हो जाएगा 4 लोगों को वायुसेना से चुना गया है मिशन गगनयान के लिए इसरो ने। और इसरो की बात आई है तो इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं K7 साहब हैं, सभी को पता है मुख्यालय है बेंगलुरु में, और यहाँ इन्होंने वायुसेना के 4 लोगों को गगनयान मिशन के लिए चुना है। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ द्वारा जारी जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में नववर्ष 2020 के अवसर पर सबसे अधिक बच्चों का जन्म हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2020 में जो सर्वाधिक बच्चों ने जन्म लिया वो भारत में लिया नववर्ष के अवसर पर, यानी जो विकल्प नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। 67,385 बच्चों ने नववर्ष 1 जनवरी को भारत में जन्म लिया और ये जो है पूरी दुनिया में जन्म होने वाले बच्चों का 17% है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में किस राज्य में DRDO की 5 प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया गया, तो कहां पर किया गया है DRDO की 5 प्रयोगशालाओं का, तो वो किया गया है कर्नाटक में, यानी कि जो विकल्प नंबर D है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। DRDO की 5 प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया गया है कर्नाटक में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 92वें ऑस्कर अवार्ड के नामांकन चुने जाने के लिए बेस्ट फीचर फिल्म की श्रेणी में शामिल किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विकल्प नंबर D, द लास्ट कलर को जो है बेस्ट फीचर फिल्म की श्रेणी में शामिल किया गया है और 92वें ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया है, ये चीज़ भी आपको याद रख लेनी है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में रिलायंस रिटेल लिमिटेड ने जियो मार्ट की शुरुआत करने की घोषणा की है, तो किस राज्य में की है रिलायंस लिमिटेड ने, तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से आपसे बनता है तो कमेंट में जरूर लिखें, उत्तर होगा महाराष्ट्र, यानी कि जो विकल्प नंबर D है वो सही हो जाएगा। रिलायंस रिटेल लिमिटेड ने जियो मार्ट की जो है शुरुआत की है महाराष्ट्र में, याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने CAA के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है और ऐसा करने वाला वह पहला राज्य बन गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर होगा दोस्तों केरल। केरल विधानसभा ने हाल ही में जो है CAA के खिलाफ प्रस्ताव पास किया और ऐसा करने वाला वह पहला राज्य बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने अरुंधति स्वर्ण योजना के तहत शादी में जो है 10 ग्राम 1 तोला सोना देने की योजना को मंजूरी दी है, तो वो कौन सी सरकार है, वो सरकार है असम सरकार। जी हाँ दोस्तों, इस योजना का नाम है अरुंधति स्वर्ण योजना और ये जो है शादी में दुल्हनों को 10 ग्राम सोना दिया जाएगा इस योजना के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है साहब, इनमें से किस महिला फुटबॉलर को सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर चुना गया है, लूसी ब्रांच, अलेक्स मॉर्गन, मार्था या फिर कार्ली लयुद, तो जल्दी से बताओ, उत्तर होगा लूसी ब्रांच को जो है
सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया, विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा। एक समझौते के तहत भारत और किस देश ने परमाणु संस्थानों की सूची साझा की है, तो किसने की है, वो की है पाकिस्तान, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही होगा। भारत और पाकिस्तान ने 31 दिसंबर 1988 में एक समझौता हुआ था जिसके तहत परमाणु संस्थानों की सूची साझा करने की बात की गई थी और इस समझौते के तहत 27 जनवरी 1991 को लागू किया गया था। यह समझौता दोनों देश के बीच 29 साल से चल रहा है, साथ ही दोनों देशों ने अपनी जेलों में बंद कैदियों की जानकारी भी सौंपी है। तो याद रख लेना है, हाल ही में परमाणु संस्थानों की सूची जो है साझा की है भारत और पाकिस्तान ने। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया, जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है इसका सही के उत्तर क्या हो जाएगा, 85 का उत्तर बताना है। तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया बेंगलुरु, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और ये संस्करण था 107वां संस्करण, जी हाँ 107वां संस्करण जो बेंगलुरु में आयोजित किया गया, कर्नाटक की राजधानी है, और इसका मुख्य विषय है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रामीण विकास। तो ये चीज़ भी आपको याद रख लेनी, आपसे पूछा जाएगा भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो विषय क्या है, जो थीम क्या है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रामीण विकास आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसका कौन सा संस्करण का जो है यहाँ पर आयोजन किया गया, तो 107वें संस्करण का। इस प्रकार से कई प्रकार से आपके जो है क्वेश्चन बनेंगे। किस देश में विजिट नेपाल ईयर 2020 अभियान शुभारंभ किया है, तो ये किया है दोस्तों नेपाल, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और यहाँ पर विजिट नेपाल ईयर 2020 का जो है आयोजन किया गया है, ठीक है। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं पी शर्मा ओली और विद्या देवी भंडारी यहाँ की जो है राष्ट्रपति हैं। तो इतनी जानकारी नेपाल के बारे में आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, गिनी बेसाउ के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जल्दी से आपको बताना है। गिनी बेसाउ के जो राष्ट्रपति बने हैं हाल ही में, तो वो बने हैं ओमारो सिसोका एम्बालो, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की पहले दो तिमाही में निम्न में से कौन शीर्ष स्थान पर है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा इंदौर। इंदौर जो है शीर्ष स्थान पर है और ये चौथी बार जो है इंदौर शीर्ष स्थान पर है, तो आपको याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, और इस सर्वेक्षण में कोलकाता सबसे निचले स्थान पर रहा, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, इंडियन रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये जो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल है इसका नाम इन्होंने रखा है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला हॉकी टीम की किस खिलाड़ी ने हाल ही में घुटने की चोट के कारण अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया, तो उत्तर हो जाएगा सुनीता लाकड़ा, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा, इन्होंने चोट के कारण अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव को हाल ही में कितने वर्ष का कार्य विस्तार दिया गया है, तो उत्तर होगा एक वर्ष का, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने हाल ही में अपने अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान किया है, एक क्वेश्चन डबल है, जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है किस देश ने किया है, अगर आपको पता है तो जल्दी से लिखो, उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो उसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय रेल ने सभी प्रकार की सुविधाओं हेतु एकीकृत हेल्पलाइन नंबर क्या जारी किया है, जल्दी से, ये चार विकल्प हैं आपको कमेंट में लिखना है। सभी प्रकार की सुविधाओं हेतु एकीकृत हेल्पलाइन नंबर जारी की है, तो किसने की है, तो जल्दी बताओ क्या नंबर, क्या इसका नंबर है, तो वो है 139। ये जो है भारतीय रेल ने सभी प्रकार की सुविधाओं हेतु एक हेल्पलाइन नंबर 139 मतलब 139 जारी किया है, ठीक है। अब सभी तरह की जो भी पूछताछ होगी, जो भी शिकायत होगी वो 139 पर होगी। और किस राज्य सड़क परिवहन कॉरपोरेशन ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की है, जल्दी से बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दामिनी नामक जो हेल्पलाइन लॉन्च की है वो किस सरकार ने की है, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश सरकार, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और वो हेल्पलाइन नंबर है 8114277777, ठीक है। और ये हेल्पलाइन नंबर जो है
दामिनी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है तो वो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया है तो वो किया है, किसे किया है, जल्दी से कमेंट में लिखो उत्तर क्या हो जाएगा। 95 का उत्तर बताना है, उत्तर हो जाएगा एस सौम्या। एस सौम्या यानी विकल्प नंबर एक है, इन्हें संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और ये कर्नाटक का जो है संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, आपसे पूछा जाएगा तो संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो एस सौम्या यानी जो विकल्प नंबर एक है वो इसका सही है। पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू ने अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ द्वारा जारी ओलंपिक क्वालिफायर रैंकिंग सूची में किस स्थान को बरकरार रखा, तो किस स्थान को इन्होंने बरकरार रखा है, तो मीराबाई चानू ने, उत्तर होगा 8वें, यानी कि जो विकल्प नंबर एक है वो उसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में कितने वर्ष की रिसर्च के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को खाकर शक्कर बनाने वाला बैक्टीरिया बनाया है, जल्दी से आपको बताना है, तो ये कितने वर्ष रिसर्च चला, तो इसका उत्तर होगा 10 वर्ष, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजनीतिक दलों के लिए किसने एक नया ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम शुरू किया है, तो जल्दी से आपको बताना है किसने ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम शुरू किया है, नीति आयोग, योजना आयोग, चुनाव आयोग या फिर शिक्षा मंत्रालय, तो वो किया है चुनाव आयोग, यानी जो विकल्प नंबर डी है वो सही हो जाएगा। राजनीतिक दलों के लिए नया ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च किया है चुनाव आयोग ने। अगला प्रश्न है, इसरो ने किस राज्य में छोटे उपग्रहों के लिए दूसरा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र बनाने की घोषणा की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसरो की जब भी बात आती है तो इसरो का मुख्यालय कहां पर है, बेंगलोर में है, ठीक है। के सिवन साहब जो है इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और 2019 की बात करें तो चंद्रयान मिशन 2 बहुत चर्चा में रहा, याद रख लेना है 22 जुलाई को ये लॉन्च किया गया था। अब चंद्रयान मिशन 2 की जो है तैयारी हो रही है और 600 करोड़ इसकी अनुमानित लागत है, ये चीज़ भी याद रखनी है। और जो है छोटे उपग्रहों के लिए दूसरा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र बनाया जा रहा है, तो वो कहाँ पर बनाया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है तमिलनाडु में, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो उसका सही होगा। अगला प्रश्न है, एनसीपी के वरिष्ठ नेता डीपी त्रिपाठी का हाल ही में कितने साल की उम्र में निधन हो गया, तो उत्तर होगा दोस्तों 67 साल में, यानी जो विकल्प नंबर बी है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमने लगभग 100 प्रश्न कवर किए जो कि 2020 से संबंधित करंट अफेयर से संबंधित थे, ठीक है। इसके बाद और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर करना है इस वीडियो को, और कमेंट में बता दें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कहाँ तक आपके लिए फायदेमंद है। 2020 के हर एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे और पूरा का पूरा करंट अफेयर्स आपका इस चैनल पर कवर किया जाएगा, तो जरूर इस चैनल को आगे बढ़ाने का आप प्रयास करें, ठीक है। साथ ही हम आपको निरंतर पीडीएफ भी देते रहेंगे, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको जो है हमारे चैनल, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे जुड़ना है, IAS स्टडी ट्रैक आपको सर्च करना है। पहले आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें और उसमें सर्च करें IAS स्टडी ट्रैक और उसमें ज्वाइन हो जाना है। बहुत सारे लोग जुड़े हैं और पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर सारा का सारा जो है आपको वहीं प्रेषित किया जाता है। तो दोस्तों को वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है। आज के लिए, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।